राकी साजिश ये हो गई है कोई मुल्क खेल के मामलों को सबोटाज करने के लिए इस हद तक जा सकता है दे आर एक्चुअली एट वॉर विद अस थ्रू द प्रोक्सिस हकीकत है कि ये भारत के सामने डट के खड़े हो जाएंगे कबूतर भी इंडिया का जासूस है वो आया हुआ है मतलब अभी भी वो छोटे बच्चों जैसी पॉलिटिक्स हमने कहा ये उस ब्रीफिंग में जिसमें आर्मी चीफ जनरल आशिम मुंडिर थे कोर कमांडर कोयटा थे और हुकूमत और

पाकिस्तान जाने से मना क्या किया चैम्पियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से पागल हो गया है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने एक सीक्रेट ब्रिफिंग में उन्होंने कहा है कि क्वार्टर में जो रेलवे पे हमला हुआ जिसका वीडियो मैंने दिया है वो हमला रॉ ने करवाया ताकि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना हो और इसका बहाना बना के भारतीय टीम ना आए पाकिस्तान तो पाकिस्तानी मीडिया इतना बाबला हो गया कि वो अब कह रहे कि रो पाकिस्तान में हमले करवा रही है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी रुकवाने के लिए तो पाक मीडिया इस पे बातचीत कर दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो ऐसा बुरा से देखेगा तो चलिए और इंतजार करके वीडियो देखते हैं सर वही हो गया जी देखिए साजिश इसको कहते हैं राखी साजिश मैं गलत नहीं कह रही बिल्कुल सही बात है ये होती है साजिश साजिश। ये हो गई है। कोई मुल्क खेल <coughs> के मामला को सबोटाज करने के लिए इस हद तक जा सकता है ये हाइब्रिड मॉडल का जो कहीं दुबई में मैच हो जाए या पाकिस्तान का मैं... अगर मुल्क की इज्जत ही हम कम्प्रोमाइज करें तो फिर खेल खेलों का फायदा कौमी वकार जो है They are actually at war with us through their proxies. हकीकत है कि ये भारत के डट के तो हमारी है कौमी एक गैरत है या वो जो है वो वो से उसको यकीन आने के चार चांद लगेंगे कि इंडिया अपनी प्रोक्सी जिसमें बीएलए एल ए है टी टी पी है ये सारी इंडिया, इंडिया की सारे पाकिस्तानी को 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये जेन में रखना चाहिए कोई बात करते हुए भी ये रखना चाहिए कबूतर भी इंडिया का जो सोच है वो आया हुआ है मतलब अभी भी वो छोटे बच्चों जैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सारे और अपने गुनाहों का जो कहते हैं कि बार हम कब तक इंडिया के कंधों पे डालते हैं वो कश्मीर का मसला हो तो इंडिया ने कर दिया ऐसे कर दिया वैसे अभी जो हमारे कश्मीर के अंदर सस्ते और के लिए जब लोग निकले, तो वो भी मुद्दा इंडिया पे डाल दिया कुछ कुछ भड़का दी सैटरडे को ये रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो जाता है उन्होंने कहा ब्रीफिंग में जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुंडीर थे कोर कमांडर को हुकूमत और

उसके वो जो कड़ियां जोड़ रहे हैं, वो तो क्रिकेट से जोड़ रहे हैं लेकिन उनको जो मिले हैं, वो अपनी जगह आप ही की मीडिया ने यह बताया है 48 घंटे पहले कि जो पेशावर में अटैक हुआ था पुलिस स्टेशन के अंदर जो अटैक हुआ था मस्जिद में जिसमें सौ से ज्यादा लोग मारे गए थे वो एक पुलिस वाले ने करा था एक पुलिस वाले ने ही वो अटैक कर दिया उसने प्लान करा उसने फैसिलिटेट करा उसके पीछे भी पुलिस वाली पाकिस्तान सीनियर मोट जर्नलिस्ट हैं जो ये क्लेम करके बैठ गई हैं ये वही वाली बात है कि इंडिया में एक पटाखा पड़ जाए तो पाकिस्तान का इल्जाम और पाकिस्तान में एक पटाखा पड़ जाए तो इंडिया का इल्जाम मुझे नहीं पता इस मामले में कितनी सच्चाई है अब ये जो तनवीर अहमद और जवेद दाद है अब ये अब तनवीर अहमद का कह रहा है तनमीर अहमद कह रहा रहे ये डरपोक है ये डरपोक है ये डर गए हैं ये, है, ये इसलिए नहीं आ रहे ये डरपोक है अब अब भाई आप किसी देखो आना नहीं आना इट्स अ डिफरेंट थिंग आप किसी के रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते आप किसी को आप किसी की कंट्री का मजाक नहीं उड़ा सकते आप किसी बंदे का मजाक नहीं उड़ा सकते भाई बात करो गुस्सा है निकालो लॉजिक के साथ निकाल लो भाई भाई लॉजिक के साथ गुस्सा निकालेगा तो क्या हो गया आगे से कह रहा है कि जी ये दुश्मन है ये तो कभी आएंगे ही नहीं वैसे भी ये पाकिस्तान से जलते हैं अब इनको पता चल गया कि जी वो अब इनको ये पता चल गया कि जी वो हम प, प, पाकिस्तान हमसे जीत जाता है और जीता कब एक सौ बीस तो बना नहीं था हमसे एक सौ बीस तो बनिया नहीं वर्ल्ड कप बच्चे बह गया था घंटा घंटा बजा दिया था इंडिया ने मरा पकड़ के मतलब आपसे आप कब जीतेगा वो इंडिया से एक मैच 21 वाला जीत के उन्होंने यही-यही करता ना इंसान का पचरम बन जा चले दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं तो पाकिस्तान जो सरकार है वो पाकिस्तान में कुछ भी हो उसका जो ब्लेम है वो रॉपे डालती है और अब चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने यह है कि सिरक दी कि चैंपियन ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में नहीं होगी तो की साझी की पाकिस्तान में आतंकी हमले करवा रही है पाकिस्तान अगर ये बहाना लगाना चाहते हैं तो ये बहाना लेके उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाना चाहिए और कहना चाहिए कि रॉक की वजह चैंपियन ट्रॉफी नहीं हुई इसीलिए रॉक को ये पेनल्टी देनी चाहिए और पाकिस्तान को ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत को देना पड़ेगा अगर चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं है तो ये पैसा रॉक को देना होगा तो पाकिस्तानी मीडिया पूरा बबला हो गया है और इस जो जर्नलिस्ट है इसने भी ये आंखें बंद करके विश्वास कर लिया कि कोयटा रेलवे पे जो हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी बी एल ली है वो असल में ने करवा है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना हो उसके लिए चैम्पियन ट्रॉफी इतनी कोई बड़ी चीज भी नहीं है क्रिकेट दुनिया में कितने मुल्क खेलते हैं भारत और पाकिस्तान को निकाल दे और ऐसे के कुछ देशों को तो कोई क्रिकेट दिखता नहीं है

पाकिस्तान ने इस मामले को बिगाड़ दिया है तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। दोस्तों वीडियो देखने लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच